आपके रिश्ते सबसे ज़्यादा तब खराब होते हैं जब आपके रिश्तों में पास्ट अतीत हावी होने लगता है। और मैं सिर्फ अतीत की गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट में किए हुए भूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। पास्ट अतीत क्या होता है? जो चीज़ें बीत चुकी हैं और उनसे जुड़ी कुछ यादें हमारे पास रह चुकी हैं, अगर हम उन्हें बार बार याद करके अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये डेफिनेटली टॉक्सिक होने लगता है, स्पेशली रिश्तों में। कई बार ऐसा होता है कि पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम वैसी थी, उस टाइम तुमने ऐसा किया था, उस टाइम तुमने ऐसा किया था। यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट की पॉजिटिविटी को ही हम कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट की पॉजिटिविटी को ही हम वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता करके अपने पार्टनर को कि भाई तुम पहले इतने अच्छे थे, तुम इतने बढ़िया थे, तुम पहले फिट थे, तुम पहले हैंडसम थे, तुम पहले केयरिंग थे, तुम पहले ये चीज़ें किया करते थे, तो अभी भी वो चीज़ें किया करो। बेशक आप ये पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, लेकिन ये नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही है ये आपका मन भी जानता है और उसका मन भी जानता है, तो ये तरीका बहुत ख़राब है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने पास्ट में जब कोई अच्छा अनुभव हमारा किसी और के साथ हुआ होता है, हम उन चीज़ों को भी लेकर आ जाते हैं और उन चीज़ों को ला करके हम फिर बोलते हैं कि भैया देखो, उनको देखो, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था। ये भी बहुत ख़राब है कि आप किसी और से आज के पर्सन को कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, प्रेजेंट मोमेंट में ही आप किसी और की लाइफ में जो सबसे बेहतर हो रहा है उसका कंपेयर आप अपने वर्स्ट से करने लगते हो। आज आपका रिलेशनशिप जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उसमें सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं है, सिर्फ सामने वाला ही गलत नहीं है, आपकी भी बहुत हद तक गलती है। कई बार आपने चीज़ों को होने दी, ये भी आपकी गलती है, और सही टाइम पर आपने उसे रोका नहीं, ये भी आपकी गलती है। मेरे दोस्तों, एक बात समझो, अगर रिलेशनशिप वर्स्ट होता जा रहा है, टॉक्सिक होता जा रहा है, उस कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कब ब्रेक लें, कब स्पेस लें। पास्ट में आपके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ है, उससे अगर आप अपने प्रेजेंट को इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट को बदलने या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें खराब होंगी और ज़्यादा वर्स्ट होंगी। इट्स ओके कि स्पेस लेने के चक्कर में ब्रेकअप भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। स्पेशली मेल्स को ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अपनी फीमेल से स्पेस लूँगा तो वो कोई और ढूंढ लेगी, या उसे कोई और ढूंढ लेगा, या वो किसी और के चक्कर में चली जाएगी। सच है, हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी और के चक्कर में चली ही जाएगी तो वो तो वैसे भी आपकी नहीं थी, प्रेम तो था ही नहीं, और क्योंकि प्रेम था ही नहीं तो आप वैसे इंसान को खोजो जो आपसे प्रेम करता हो, जिसे आप प्रेम करते हैं उसे नहीं। लाइफ है दोस्तों, जीवन है, यहाँ चीज़ें आती है जाती है, नथिंग इज़ परमानेंट। और एक कहावत है ना, हमारे पास दो जिंदगियाँ होती हैं, दूसरे की शुरुआत तब होती है जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि एक्चुअली हमारे पास एक ही जिंदगी है। कैसा लगा? तो मुद्दा यह है कि पास्ट को, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, उसे पास्ट में ही रहने दो। आप अपने भीतर एनालाइजेशन के लिए, आप सेल्फ एनालाइजेशन के लिए, अपने अंदर मंथन के लिए पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पास्ट में ये गलतियां हुई थी तो वो गलतियां नहीं करनी है। लेकिन अपने पास्ट के साथ, अपने पास्ट को उठा करके अपने पार्टनर के साथ कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वो हर्ट हो। और अपने ख़राब पास्ट को तो कभी भी शेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान आपके पास आज आया है ना, वो आपके आज को देखकर आया है, आपके पास्ट को देखकर के नहीं। तो
जीवन की इस सीख में, लाइफ के इस सीख में आज हमने ये सीखा है कि पास्ट का कोई रोल आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, अनलेस जब तक उससे कुछ सीखने को ना मिले, वो भी आपके भीतर, ना कि किसी और को सिखाने के लिए। तो आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखना बाकी है। तब तक के लिए नमस्ते अजय।